नमस्कार और आप सभी का स्वागत है चाहिए 24 न्यूज के इस खास सेशन में। तो आज के जो हमारे मेहमान जो हमसे जुड़ने वाले हैं वो एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है जिन्हें कई बार बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड्स भी मिले हैं और वो बहुत ही बेहतरीन हॉकी प्लेयर हैं। उन्होंने हमारे देश को कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि सेकेंड मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरेंडम इंटरनेशनल टूर्नामेंट और साथ ही साथ उन्होंने हमारे देश को 8th सुल्तान जौहर कप मलेशिया 2018 में सिल्वर मेडल भी दिया है। तो आइए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, और अगर आपको उनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। और इन बेहतरीन खिलाड़ी जिनकी मैं बात कर रही हूँ जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है, उनका नाम है कमलबीर सिंह और आज हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि आज हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, हाउ आर यू? फाइन मैम, आप बताओ कैसे हो? बस सर, हम ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू मैम जी। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हुए जो मैं आपसे जो पहला सवाल पूछ रही हूँ वो ये है कि हॉकी जो है वो हमारा राष्ट्रीय खेल है जी, लेकिन हमने कुछ सालों से देखा है कि हॉकी और लोग थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग दूर नहीं जा रहे। जो हॉकी लवर है वो हॉकी को बहुत प्यार करते हैं और वो मैचेस भी देख, जैसे हमारा अभी सीनियर वर्ल्ड कप हुआ था और बहुत सारे लोग में उड़ीसा में बहुत ज्यादा क्रेज है हॉकी का और इतनी पब्लिक स्पोर्ट, ये जो भी अच्छे टूर्नामेंट होते हैं वो ऑडियंस की वजह से, जो इंडिया में ऑडियंस मिलती है ना वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट इंडिया में करवाए जाते हैं और हॉकी कुछ दो की जब हॉकी पीछे चली गई थी, जब मैचेस हारे जा रहे थे 14 में, हॉकी 9वें रैंक जा चुकी थी। अब हमारी हॉकी ने बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब हमारी टीम चौथे रैंक पे आ चुकी है वर्ल्ड के। तो अभी में ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कहीं बीच में आपने सही कहा कि अभी हमारी टीम बहुत आगे आ गई है, लेकिन एक समय था जहाँ पे हॉकी और लोग बहुत दूर चले गए थे। तो अभी आपने जिस तरीके से हारे जा रहे थे तो लोग दूर जा रहे थे, वो टाइम था कि जब में पैसा नहीं आ रहा था और ट्रेनिंग का जो सिस्टम था वो चेंज नहीं किया जा रहा था, फिटनेस बार अब चेंज हो चुका है, हॉकी बहुत एडवांस हो चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है, हॉकी में पैसा भी है, सब कुछ है और इसलिए हमारी टीम बहुत ज्यादा वर्क कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, चौथे रैंक पे है और इस बार तो ओलंपिक में आशा है पूरी कि मेडल लेके आएंगे और फिर लोग और भी प्यार करेंगे हॉकी टीम को। हम तो चाहते हैं कि आप मेडल लेकर आए ताकि हम आपका इंटरव्यू वापस से ले सके, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जो दूसरा सवाल जो सर मेरा ये है कि आपको हॉकी से प्यार कब हुआ, कौन सी एज में आपने हॉकी खेलना शुरू किया? मैं था 12 साल का था जब मैंने हॉकी खेलने के लिए, मुझे बस इतना पता था कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है बट मुझे पता नहीं था कैसे खेलते हैं, बट मुझे ना एक सेट वो मैंने ज्वाइन किया तो मैं खेलना भी नहीं चाहता, मेरे चाचा लड़का था एक तो वो जा रहा था खेलने के लिए, बोला कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा कि तू साथ में चल मेरे, कि वहां पे हमने बोला कि अगर तू जा रहा है तो तुझे वहां पे हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो मैं गया वहां पे, वो जाके मैंने हॉकी के बारे में पता लगा कैसे खेलना है, तो वो मेरे चाचे का लड़का था वो तो वापस आ गया, मैं वहां पे अकेला रह गया, फिर मेरा भी मन नहीं लग रहा था तो फिर मैं अकेला पड़ गया, फिर मैंने अच्छा से वर्क नहीं किया वहां पे तो भी मन नहीं लग रहा था। एक दिन मेरे पापा आए वहां पे, तो मॉर्निंग में रेस्ट पे था, मैं नहीं जाता था, तो फिर उन्होंने कोच ने बोला कि ये कुछ नहीं करेगा कि इसको आप ले जाओ, कि वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ नहीं करेगा ये अपनी लाइफ में ऐसा। तो फिर वहां से क्रेज पैदा हुआ कि वहां से उस कोच ने बोला कि हम इसको एक मंथ का टाइम देते हैं कि अगर ये अच्छा करेगा फिर ये अच्छी हॉकी खेलेगा, तो फिर वो एक मंथ में मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर वहां से मुझे लगाव हो गया हॉकी का बहुत ज्यादा। तो मतलब 12 साल से, मतलब जब आप 12 साल के थे तब से आप हॉकी खेल रहे हैं, एकदम हॉकी में जी जान लगा दी आपने। तो आपके फैमिली में से कोई है जो और हॉकी खेलता है या आप ही फैमिली मेंबर है जो हॉकी खेलते हैं? मैं अपनी फैमिली से अकेला हूँ, वही चाचा का लड़का था वो जिस मुझे मुझे लेके गया उसने बाद में। हाँ, अब मेरे कुछ रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं जो मेरे से छोटे हैं, मतलब कि वो मेरे से देख के हॉकी खेलना शुरू किया है, कि मेरे फैमिली मेंबर रिलेटिव है, मेरा जैसे छोटा ब्रदर है जो मैंने दीदी का लड़का है, खेलना शुरू किया है अभी। तो
आप एक बहुत ही बेहतरीन गोल कीपर है, तो मैं ये मान के चलूं कि आज आप मेरा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हैं। नहीं नहीं मैं तो आप एक बहुत बेहतरीन गोल कीपर है, तो कभी आपको हारने से डर लगा है? कभी दिमाग में ऐसा आया है गेम खेलते हुए या गेम खेलने से पहले? मैम डर एक टीम गेम है, अगर हमारी टीम अच्छा कर रही है तो हम डेफिनेटली मैच जीतेंगे, तो कुछ हो जाता है, कोई अच्छा प्लेयर भी हो जाए वो इंजर्ड हो जाए तो थोड़ा हो जाता है, कि जहाँ पे हमारी सारी वर्क करना पड़ता है। डर नहीं लगा, बस कॉन्फिडेंस हमेशा रहता था जीत के लिए, कि हम जब भी जा रहे हैं एक होता था कि आज का दिन है हमें मैच जीतना है, उस पर वर्क करते थे, और मैच कई बार मैच लूज भी करते थे, कोई गलती थी, बस हारने से चिढ़ मचती थी, बर्दाश्त करना मुश्किल थोड़ा, वो बर्दाश्त करना जी, इतनी मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है तो जरूर होता है। तो हम, आप एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, तो क्या आप एक बेहतरीन स्टूडेंट भी थे आपकी लाइफ में? मैं वैसा नहीं है, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि मैंने ज्यादा हॉकी को लेके रहा, स्पोर्ट्स में लगा रहा, बट वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि जो मैंने स्टडी नहीं की, वो जो मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि हॉकी के साथ साथ स्पोर्ट्स साथ साथ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लाइफ में कुछ भी कर ले हम, जितना मर्जी मेडल अचीव कर ले, अगर स्टडी है तो हम अच्छी जॉब और अच्छा काम पा सकते हैं, तो बिना स्टडी के कुछ, तो मैं मेन स्टडी। जी जी, बहुत बहुत ही अच्छा है। तो ये जैसे आपने कहा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्पोर्ट्समैन की लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रगल से भरी हुई होती है, आपको ऐसा लगता है? हाँ मैम, नॉर्मल बंदे की भी लाइफ है बहुत स्ट्रगल पड़ता है, जिसने कुछ हासिल कर उसको बहुत कुछ फेस, और स्पोर्ट्स में तो वैसे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, जो हमने गोल सेट किया है उसको पाने के लिए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि आप तो बहुत बेस्ट स्टूडेंट थे, आप लॉ कर रहे हैं, तो शायद आपने हमसे झूठ बोला, आप एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट रहे हैं। नहीं मैम, जो मेरे दोस्त है मेरी टांग खींच रहे हैं और कुछ नहीं है, मजाक। तो जो हम आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, आपके जितने भी अचीवमेंट्स है आज तक, छोटे कि वही सब था कि ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं उस पे हार्ड वर्क करना कि वो हम जीत के आएंगे, ऐसे छोटे छोटे टूर्नामेंट हम नेशनल जीते, वो हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा वर्क किया था, हमारे सीनियर्स ने हमने बहुत ज्यादा साथ दिया, वो नेशनल में मेडल आना खेलो इंडिया में बहुत अच्छा रहा, कि जो अचीवमेंट थी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरा गोल सेट था, जब मैं बैठता जा, जब हमारी टीम खेलती थी जब मैं छोटा था, तो मेरा भी मन करता था कि कभी मैं भी खेलूं और मुझे भी लोग देखें, इंडिया की जर्सी पहनूं, मेरा ड्रीम था एक, तो वो मैंने बहुत हार्ड वर्क करके कि वो अचीव किया, किट को जब मैंने पकड़ा अपने हाथ में, जब मेरे मेरी नाम वाली किट मिली, तो वो मुझे सबसे ज्यादा ड्रीम फुल हो गया था मुझे, कि वो ही था कि जो मुझे मिल गई, बट उसके बाद फिर आगे गोल सेट होते रहे, वो अचीवमेंट थी। तो खेलो इंडिया में भी आपको बेस्ट गोल कीपर का अवार्ड मिला है? मैं वहाँ पे अच्छा था, मतलब कि टूर्नामेंट था और मैं अच्छा खेला वहाँ पे, और वहाँ पे लोग तो मुझे बहुत प्यार मिला वहाँ से, मेरी खेल में बहुत अच्छा खेला वहाँ पे, तो वो अवार्ड मिला है। तो आपने आपके खेल को लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ किया है अभी आपके शहर में कहीं? मैंने खेल को मैम, जब भी मैं आया था कि खेल के आया था, तो मुझे मतलब कि जो मेरा शहर के लोग थे वो मुझे लेने के लिए आए वहाँ पे एयरपोर्ट पे, जब मैं आया तो वो था मेरा, उनको भी पता लगा और मीडिया में सब कुछ मेरा आया, तो लोगों को पता लगा, जब भी मैं खेलता हूँ कहीं पे भी, कि जब ऑडियंस आती है देखने के लिए, तो मैं करता हूँ कि मैं अच्छा करूँ और ऑडियंस के मन में अपनी जगह बनाऊँ, एक नाम बनाऊँ कि जो उनको अच्छा लगे, तो मैं अच्छा खेलता हूँ और अपने खेल उनको तक पहुँचाता हूँ, और जो मेरे जूनियर्स हैं जो साथ में होते हैं, उनके साथ जब मैं फ्री होता हूँ अपना गेम का एक्सपीरियंस जैसे भी उनके साथ शेयर करता हूँ और उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ, तो जो कोई सीनियर है मेरे से उनके साथ सीखने की कोशिश करता हूँ हमेशा, और अपना खेल भी चाहता हूँ उनकी तरफ। तो वाकई बड़ों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। हाँ जी, आपके लिए शायद एक बहुत बड़ा कमेंट आया है, तो सर वांटेड टू आस्क यू कि आप अभी इतना दूसरे फेस पे खेलने जाते हैं, तो आपको कभी
ओके तो ये कमेंट है कि आप बहुत जगह खेलने जाते हो, तो आप किसी और प्लेयर से अट्रैक्ट होते हो, आपको किसी और का खेल अच्छा लगता है? हाँ मैम, मैं जब भी देखता हूँ कोई, जैसे हमारा मैच होने वाला किसी से, कि हर चीज में जाकर गोलकीपर्स को वॉच करता। वो सीखने की कोशिश करता हूँ मैं हर एक से, कोई मेरे से छोटा है या बड़ा है, कि मैं मैच देखता हूँ पूरे फोकस के साथ कि कुछ तो मुझे सीखने का मिलेगा। तो शायद जिनका ये सवाल था उनको आंसर मिल गया होगा। तो दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लॉकडाउन है, सब घर में बंद है, तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, प्रैक्टिस भी शायद आपका बंद होगा? मैं घर में, हमारा गार्डन है तो वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, मॉर्निंग जल्दी उठता हूँ, अपनी कोर एक्सरसाइज फिटनेस वहाँ पे छोटे से एरिया में डेली मॉर्निंग 4 जाता हूँ और अपना वर्कआउट कर। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फिटनेस पीछे चली जाए, मैं फिट रख रहा हूँ अपने आप को और अपने पिच को बहुत मिस कर रहा हूँ, हॉकी ग्राउंड को, कि मैं जाऊँ और अपनी गोलकीपर किट पहनूँ, उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। बाकी फिटनेस मैं कर रहा हूँ, बाकी फिटनेस अपने स्किल पे वर्क करना है अभी, तो बस फिट रख रहा हूँ अपने को, जाके स्किल पे वर्क करूंगा अपनी। बहुत ही अच्छी बात है, और आपके बहुत सारे फैंस हैं जिनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि सर यू आर बिग फैन एंड एवरीथिंग, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दिखाता है कि लोग आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और शायद आप हॉकी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसा आपने बोला कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो क्या आप फ्यूचर में भी हॉकी को कंटिन्यू करेंगे या फिर कहीं जॉब में आप सेटल हो जाएंगे? मैं जैसे डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है ना हमारा, रेलवे का जैसे किसी का भी, तो उसकी हॉकी की टीम है, तो ज्वाइन करके बस ही खेलनी है उनकी तरफ से भी, बस उनकी टीम की तरफ से खेलनी है। कोई मजेदार किस्सा जो हॉकी से जुड़ा हो आपके साथ? मजेदार किस्सा कि जैसे मैं फनी किस्सा भी, कोई सीरियस? फनी और सीरियस हम तो दोनों सुनना चाहेंगे। फनी किस्सा था मैम, जब मैं खेलने गया था ना, कि मलेशिया में थे हम, तो हमारा कोच ने बोला कि ग्राउंड कोच करो, क्या कमी है उसमें, है ना, तो कमी तो कोई भी नहीं, ग्राउंड तो पूरी ठीक थी, तो उसने पूछा कि हाँ कमल तुझे क्या लगा, मैंने बोला सर गोल पोस्ट ना थोड़े से मुझे ना बड़े लग रहे हैं कुछ, तब बोले कि हम बत्रा साहब से बोलेंगे, जो बत्रा साहब मतलब की हॉकी के हेड है ना, उनको बोल के करवाते हैं, वो मेरी लगे ऐसे, तो मुझे लगा मिस कर रहे हैं, बट वो मजाक कर रहे थे मेरे साथ, वो सारा फनी किस्सा, सभी मेरे पे हंसने लगे, मुझे आज तक पढ़ाते हैं कि मेरे दोस्त अभी भी सुन रहे होंगे जी। ये काफी फनी किस्सा रहा आपके साथ। कमेंट पे एक और कमेंट आया है कि आपका कौन इंस्पिरेशन है, ऐसा कोई खिलाड़ी जो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता हो? मेरा इंस्पायर करने वाला मनप्रीत सिंह है, जो हमारी हॉकी सीनियर टीम के कैप्टन है, उनसे मैं उनको, उनकी हर इंटरव्यू देखता हूँ, सब कुछ उनको फॉलो करता हूँ मैं, कि मुझे अच्छा लगता है, वो वर्कर हैं, कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपनी टीम को अच्छा मोटिवेट करते हैं, उनकी बातें बहुत या लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, कि मैं हमेशा उनकी तरह ही बनना चाहता हूँ, कि और कुछ नहीं। तो मैं ये मान के चलूं कि आज आप उनका इंटरव्यू देखकर आए हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप उनके सारे इंटरव्यू देखते हैं, तो हर टाइम देखता हूँ, मतलब कि जब भी, अभी तो वो कभी हुए नहीं है, मतलब कि अभी थोड़े दिन पहले थे, तो मुझे क्वेश्चन करना होता है, मैं उनको क्वेश्चन डालता हूँ कमेंट में, तो वो आंसर दे देते हैं, वैसे भी बात हो जाती है मेरी उनसे उनपे। जी जी, हमारे व्यूअर का जस्ट नाउ एक कमेंट आया है कि हेमजीत करके उनका नाम है, तो वो आपसे कुछ गोल कीपिंग की स्किल्स की एडवाइस मांग रहे हैं, तो आप प्लीज शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? मैम मैं उनके साथ ही वर्क करता हूँ, कि मेरे साथ ही है, मेरा पार्टनर ही है, कि हम दोनों साथ में, उनसे भी सीखता हूँ कि भाई ऐसे कुछ होता है, कहीं पे कमी आती है, उससे पूछ लेता हूँ मैं कि क्या करना चाहिए, होती है, दोनों अच्छा फ्रेंड सर्कल है हमारा, और अच्छी से बातें शेयर कर लेते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए तो कुछ टिप्स हो जाए, क्योंकि अगर वो आपके साथ काम करे तो मे बी वो आपकी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए हम जरूर जानना चाहेंगे। बताता हूँ मैं आपको कि जब मैंने किया था, जब मैं डर के भी हार चुका था, एक लाइफ की जीत थी मतलब की मेरी, कि जब मैं अपनी लाइफ से हारा, कि जब मैं नेशनल में अच्छा परफॉर्म किया था मैंने,
तो फिर मेरा हो गया था कि 66 स्टूडेंट थे जिनकी सिलेक्शन हुई थी इंडिया कैंप के लिए, उसमें से 33 होंगे कि जिनको उन्होंने सिलेक्ट करना था। तो मेरा अच्छा चल रहा था, परफॉर्म दे रहा था मैं, अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो सभी उधर थे कि मानते थे कि हो जाएगा तेरा। तो मुझे भी लग रहा था कि हो जाएगा, बट मेरा उधर नाम नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे बहुत, तो सब ने बोला कि नहीं यार ऐसा गलत हो गया जो भी हुआ, तो बट मुझे भी नहीं पता लगा क्या हो गया। तो बाद में उसको उसने बोला कि पता नहीं क्या हुआ कि बट जो होगा मैं, जो भी हो गया ठीक है, बट मैं नेक्स्ट ईयर फिर आऊंगा कि मैं हार्ड वर्क करूँ। तो फिर बाहर आया तो मैं रो रहा था, बारिश भी हो रही थी, मुझे बारिश भी नहीं पता चल रहा कि बारिश हो रही है, मैं बारिश में रो रहा था, हार चुका था मैं। तो भीग गया मैं, फिर मेरे दोस्त आए जो मेरे साथ में थे, उन्होंने मुझे लेके गए अंदर कि कुछ नहीं होगा। तो मैं हेडिंग हो रही थी, बुखार हो चुका था, मेरी वापसी की टिकट भी हो चुकी थी, वापस में अंबर आया और एयरपोर्ट पे बैठा रहा, घर भी नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ वापस, मुझे एयरपोर्ट पे लेने आओ। तो मैं ऐसे बैठा रहा, घर जाने का मन नहीं कर रहा था कि पूरी तरह हार चुका था, कुछ भी समझ क्या करूं। तो फिर मैं घर पहुंचा, तो फिर घर बोले गले कि क्या हुआ तेरा, कि मैंने बोला नहीं हुआ। तो फिर भी वहां पे भी मेरा रोना निकल आया, मतलब रोने लगा तो बहुत था। फिर पापा ने बोला कि हाँ वर्क कर सकता है, कि फिर क्या है, एक बार हारा है, मतलब कि अभी टाइम है तेरे पास, बहुत लंबी जिंदगी है, कि तू करेगा, कि मुझे भरोसा है तेरे पे, तू कुछ भी कर सकता है। तो फिर मैंने उस साल को पूरा रखा कि इस साल मैंने पूरा हार्ड वर्क करना है। तो मैं मॉर्निंग जल्दी उठना, अकेडमी गया, अपने सेंटर गया, फोन तक एक साल मैंने फोन नहीं यूज किया, कि फोन भी छोड़ दिया कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना किसी भी चीज के, पूरा हॉकी को देना है। तो फिर मैंने पूरा टाइम हॉकी दिया, तो फिर मैंने वो साल पूरा हार्ड वर्क किया। तो फिर एक नेशनल खेला, वो नेशनल भी हम जीते फिर, तो फिर मेरा नाम भी आया कैंप में, मैं अच्छा खेला वहां पे भी। तो वो अगर मैं करना हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क का फल मिल जाता है जब हम करते हैं। तो आपकी डेडिकेशन तो देख ही सकते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक साल के लिए फोन भी यूज नहीं किया था, तो वो तो आपकी डेडिकेशन आपने दिखाई थी हम लोगों को। और हार्डवर्क आपने सही बोला कि अगर हार्डवर्क आप करोगे तो जरूर आप आगे जाओगे। तो ये शायद हमारे व्यूअर्स के लिए भी बात है कि हार्डवर्क करने से ही इंसान आगे जाता है, बात करने से तो कोई आगे जाता नहीं है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कभी गेम के दौरान कभी आपको कुछ इंजरी वगैरह हुई है? थोड़ी बहुत तो हुई है, बट अभी भगवान की कृपा कोई ऐसी मेजर इंजरी से दूर ही रहना चाहता हूँ, मतलब कि ना ही हो, तो बस छोटी इंजरी है वो ये कभी कभी, तो वो जल्दी रिकवर हो जब था। जी ये की थी मैंने मेहनत एक साल, जिस मैंने फोन छोड़ा था कि मैंने कैंप के लिए जाना है, कि वो टूर्नामेंट था वही मंथ में, और वही मंथ में मुझे बुखार पता टाइफाइड, तो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। टाइम मैंने पूरा हार्ड वर्क भी किया था, वो टूर्नामेंट भी आ चुका था, और मैं रिकवर भी नहीं कर पाया बॉडी को, कि वो टूर्नामेंट भी खेलने जाना था। तो मेरे कोच ने बोला कि तू कर सकता है, तो मेरे में इतनी पावर भी नहीं थी कि, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया था, शायद गॉड ने देख रखा था कि वो मेरी, मैं मानता हूँ कि मुझे वहां पे गॉड ने हेल्प की मेरी, कि मुझे जो खिलाया समय खेला, कि वो शक्ति थी मेरी अंदर आई जो, बट मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि जब मैं हो चुका था बुखार तो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था मैं, तो वो मैंने जो किया था तो उसी का नतीजा था, मुझे लगता है कि मेरी गॉड ने हेल्प की थी, जब मैं अच्छा खेला वहां पे और मेरा नाम फिर दोबारा से कैंप में आया। तो जब वो कोच बोला कि इस एक पहला स्टूडेंट है जो मुझे बोल के गया था कि मैं वापस आऊंगा, और वो आया। आपके लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, किसी ने तो आपसे पूछा था कि लोग आपके लुक्स की तारीफ कर रहे हैं, और आपसे आपके फिटनेस का राज भी पूछा है, तो शायद आप डाइट में क्या खाते हैं वो बता देंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा सबके लिए। डाइट में मैं कुछ ज्यादा खास फॉलो नहीं करता, बस कर रहता हूँ, फास्ट फूड से दूर रहता हूँ, कि अच्छा हेल्दी फूड खाता हूँ, कि कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरी फिटनेस को वीक करे, कि जब मैं फिटनेस पे फोकस करता हूँ फास्ट फूड से दूर ही रहता हूँ। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि कमल भी जी तो वैसे भी फास्ट फूड से दूर ही रहते हैं, तो आप लोगों को भी शायद दूर ही रहना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे कि चक दे इंडिया जैसी मूवीज है तो वो काइंड ऑफ अवेयरनेस जनरेट करता है लोगों के दिलों में, तो और गवर्नमेंट और हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं कि हॉकी को बढ़ावा मिले हमारे देश में?
मैम वो फिल्म थी, मतलब एक टीम फिल्म थी, एक टीम के ऊपर बनी थी फिल्म। ऐसी मूवी जैसे गोल्ड मूवी बनी है, और भी हमारे पंजाब में एक हरजीता मूवी बनी थी वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप के ऊपर, ऐसी बहुत सारी मूवी। जैसे भी हम करते हैं सरकार को करना चाहिए, जैसे हमारे अभी क्वालिफाई मैच हुए थे हमारी सीनियर टीम के, तो उन्होंने जीते थे मैच, हमें क्वालिफाई किया था जूनियर वर्ल्ड कप के लोगों, हमारे सीनियर्स के मैच थे, उन्होंने विन किया था जूनियर वर्ल्ड कप। जैसे हम कोई भी स्पोर्ट चैनल ऑन करते हैं तो वहाँ पे हमें क्रिकेटर्स के मैच दिखाए जाते हैं, उनकी पुरानी विक्ट्री दिखाई जाती है, बट हमें कभी नहीं हॉकी की कोई मैचेस दिखाए गए। उनको हॉकी के भी मैचेस दिखाने चाहिए, कि सारा मीडिया जो स्पोर्ट्स चैनल है उनकी सपोर्ट करते हैं, जैसे भी कि जैसे हमारे बहुत सारे हॉकी के अच्छे अच्छे मैचेस हैं, अब हमारी हॉकी बहुत अच्छा कर रही है, और हमारी हॉकी के बहुत अच्छे मैच है जो लगातार विन कर रही है, तो वो मैचेस बार बार रिपीट होने चाहिए, टीवी पे आने चाहिए जो देखने को मिल सके, ताकि जितना लोग देखेंगे लोग उनसे अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो अगर आप एक हॉकी प्लेयर नहीं होते तो आप क्या होते, और कोई चीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो? मैम अगर मैं हॉकी प्लेयर ना होता, शायद मैं फार्मर होता, या फिर मैं कहीं फॉरेन में जाता, वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर होता, कुछ और कुछ खास तो नहीं कर पाता। तो ये आपने मतलब ठीक है, एक फार्मर तो बहुत ही गर्व की बात है, वो तो हमारे देश की बैकबोन है, लेकिन ये फॉरेन में जाके टैक्सी ड्राइवर बनना, ये सवाल आपके दिमाग में है कैसे? मैं हमारे सारे कनाडा मतलब कि दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ अच्छा वर्क करते हैं, अपना हार्ड वर्क करते हैं, ये पैसे कमाते हैं कि सारे। और कोई जी तो और कोई गेम जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो हॉकी के अलावा? मुझे मैम जब मैं कभी होता हूँ, फ्री हो जाता हूँ, तो फिर मैं फुटबॉल खेल मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं ज्यादा खेलता हूँ। तो आप फुटबॉल में फोकस करते रहे या सिर्फ आपको कभी अच्छा लगता है इसलिए आप खेलना चाहते हैं? मुझे अच्छी हॉकी लगती है जो दिल में है मेरे सारे में, जो फ्री टाइम भी है मुझे लगता है कि मैं हॉकी खेलूं, अपनी हॉकी को जितना भी टाइम दे सकूं, कि मैं कि जो भी करना है मुझे हॉकी में करना है, कि फिर भी कभी मन करता है तो फुटबॉल खेलता हूं, बट ज्यादातर जो दिल में है वो तो हॉकी है ना, उसको ही टाइम देता हूं मैं ज्यादा अपना। जी तभी जो आपका जो फ्यूचर गोल है वो क्या है, मतलब आपने कहा कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो एक फ्यूचर गोल जो आपने आपके दिमाग में कुछ सेट करके रखा है तो वो आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? फ्यूचर गोल है कि मैं अभी हार्ड वर्क करूं, कि मुझे इतना पता कि जो हार्ड वर्क है उसका नतीजा निकलता है, उसका है। मुझे मैंने गोल सेट कर रखा है ओलंपिक का, ओलंपिक खेलने अपने देश के लिए मेडल लेके आऊंगा, कि मुझे करना है जैसे भी है, कि एक गोल कीपर है वैसे इंडिविजुअल गेम है, एक अच्छा वर्ल्ड का पूरे का अच्छा गोल कीपर बनना है और अच्छा नाम करना है अपना, उस पे मैं लेके हार्ड कर रहा हूं, कि आने वाले टाइम में मैं वो अचीव कर चुका, मेरा वो गोल है कि मैं ओलंपिक खेल सकूं, ओलंपिक में मेडल लेके आ सकूं। आपके लिए कमेंट आया है, शायद वो आपके कुछ पर्सनल कमेंट्स है जो मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी। वो टांगी खींच रहे होंगे मेरे दोस्त है। जी 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 जरूर वही है। एक कमेंट आया कि आप कबड्डी क्यों ट्राई नहीं कर लेते, तो ये सवाल मेरी तरफ से नहीं है, आपके व्यूअर्स की तरफ से है, तो उनका कहना है कि आप कबड्डी क्यों ट्राई नहीं कर लेते? मैं कबड्डी खेलना मुझे नहीं अच्छा लगा, कि मुझे तो बस हॉकी कि मैं नहीं कर सकता ट्राई, वो बहुत इंजरी आती है उस गेम में। और एक इंसान मल्टीटास्कर, तो मतलब ठीक है मल्टीटास्किंग करना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पैर रखने से इंसान का फोकस भी बिगड़ जाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे मैं? क्योंकि अगर जैसे कि आप कबड्डी, जैसे कि आपके व्यूअर्स में से किसी ने कहा कि आप कबड्डी भी ट्राई कर लीजिए, तो अगर आप कबड्डी खेलेंगे, आप हॉकी खेलेंगे, तो वो फोकस नहीं रह पाएगा आपका कबड्डी में। मैं ट्राई नहीं करना चाहता, बट मेरा फोकस है वो, मैं अपना फोकस नहीं हटाना चाहता, मैं अपना फोकस एक जगह रखना चाहता हूँ। तो जो अगला सवाल जो है ये है कि आपको लगता है कि लड़कियों का भी उतना ही योगदान है खेलों में जितना लड़कों का है? हाँ मैम उतना ही योगदान है, जब लड़की मेडल लेके आएगी लड़का मेडल लेके आएगा, तो वो मेडल ही गिना जाएगा, जब लड़का लेके आए या लड़की लेके आए। लड़कियां बहुत ज्यादा, हमारी हॉकी टीम की लड़कियां बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, बहुत अच्छा वो कर रही है, तो और भी सभी है लड़कियों के, बहुत सारा है, लड़कियां भी बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छी बात है। तो आप
आपके जैसे कि आपके सर्कल में भी कोई हॉकी प्लेयर्स होगी आपकी फ्रेंड्स गर्ल्स में जो भी है, तो उनको आपने बहुत ही अच्छा खेलते हुए भी देखा होगा। हाँ जी मैम। तो मैम साथ में जैसे खेलो इंडिया टूर्नामेंट होता है, साथ में होता है लड़कियों का, लड़कियों लड़कों का, तो वहाँ पे लड़कियां। ओके, तो मैं हमारे व्यूअर से कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो मेरे सारे क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ। तो हमारे व्यूअर से मैं जानना चाहूंगी, आपके लिए बहुत ज्यादा ही कॉमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ पर्सनल भी आ रहे हैं तो वो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँ। मैं पढ़ रहा हूँ, जानबूझ के टांग खींच रहे हैं, पेन का लिख रहे हैं, कुछ भी। तो शायद अगर आप आंसर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, हम जरूर सुनना चाहेंगे। आप शक्ल से बहुत शैतान बच्चे लगते हैं, तो क्या आप आपके पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही है या हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप शक्ल से बहुत ही नोटोरियस लगते हैं। मैं ऐसा नहीं, शांत हूँ, मैं बहुत ज्यादा शांत रहता हूँ, अपने आप को शांति रखता हूँ और एक फोकस रखता हूँ। कभी टाइम होता है दोस्त अच्छा मजाक कर लेते हैं, जैसे अभी मेरे दोस्त हैं वो टांग खींच रहे हैं मेरी बातें, कुछ ऐसी क्या क्या लिख रहे हैं बाद में पढ़ूंगा। उनका कहना है कि आपको उनको उनका कहना है कि मैम आप गलत कर रहे हो, आपको सारे सवाल पूछने चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सबके लिए अच्छे हैं, हम किसी की पर्सनल लाइफ से नहीं जाना चाहेंगे। तो क्या आपके आप जैसे जी, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ अलग है, एक पर्सनल लाइफ अलग है, तो आपको उन दोनों में कुछ डिफरेंस लगता है या फिर आप नॉर्मल जैसे प्रोफेशनल लाइफ में है वैसे पर्सनल लाइफ में भी है? मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, जैसे पर्सनल लाइफ में तो वैसा ही बाहर हूँ। जैसे पर्सनल लाइफ में कई बार गेम में जब हार जाते टीम में मैं अग्रेसिव हो जाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरे टीम मेंबर्स भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं मेरे से भी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है कभी कभी, हारने से चिढ़ मच जाती है मुझे। तो ऐसा मेरा है, कोई दोस्त गुस्सा कर जाते हैं तो उनको बाद में मैं ना मानता हूँ और कई नहीं भी मानते, कोई गुस्सा भी हो जाते हैं बाद में, तो फिर वो गेम से निकल के पर्सनल लाइफ में जैसे बाहर भी नॉर्मल लाइफ में हो जाता है। जैसे कभी यार कोई भी बात हुई वो गेम में फिनिश हो जानी चाहिए, गेम में खत्म होनी चाहिए, वो बाहर नहीं होनी चाहिए। तो बाहर तो आपने कभी आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया है? क्योंकि एग्रेशन होता है क्योंकि कभी कभी कुछ चीज नहीं मिलती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि मुझे ये कंट्रोल करना चाहिए? बट अब मैं मैम बहुत कंट्रोल कर चुका हूँ, अब मैं नहीं करता कि अब मैं अब बस सोचता हूँ, मतलब टीम गेम कर रही है जो टीम परफॉर्म कर रही है हाँ, बट मुझे अपना 100% देना है कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि मेरे पे, क्योंकि मेरी गेम है इंडिविजुअल आ जाती है, गोलकीपर को इंडिविजुअली होना पड़ता है कि उसको अपना स्टॉप करना चाहिए जितना भी हो सके। तो मैं अपना 100% करता हूँ कि मुझे नहीं गोल खाना है, मुझे बस स्टॉप करना है जितना भी हो सके, आखिरी टाइम तक मेरी टीम गोल निकाल लेगी। अगर आखिरी टाइम तक भी नहीं निकाले तो शूट आउट पे मैं अपनी टीम को दे सकता हूँ बेनिफिट, मैं खेल सकता हूँ, शूट आउट मैं स्टॉप कर सकता हूँ। तो अभी मैं गुस्सा नहीं करता, कभी कभी हार जाते हैं तो मैं कंट्रोल ही रहता हूँ, मतलब कि नहीं अग्रेसिव दिखाता अब मैं। कुछ दोस्त थे मैंने उनसे बातें की, उन्होंने अच्छा हम अच्छी बात कर लेते हैं, जैसे करण है कि मेरा दोस्त है वो भी देख रहा है कि उससे मैं अच्छी बातें कर रहा था कि हम दोनों ने अच्छी अभी गेम के लिए बातें करते हैं, तो फिर हम मैं कंट्रोल करता हूँ बहुत, अभी मैं कुछ नहीं बोलता जी। तो जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एग्रेशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और कभी कभी वो आ भी जाता है, वो बहुत नेचुरल है, नेचुरल सी बात है। तो आप जो नए खिलाड़ी जो आना चाहते हैं हॉकी में उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए या क्या है क्या नहीं है, कॉम्पिटिशन कितना है, कुछ कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में हॉकी को हो जानी चाहिए, मतलब कि हमारी हॉकी नेशनल गेम भी है और खेलना भी चाहिए, क्योंकि हॉकी बहुत अच्छी गेम है। कि जैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हॉकी में धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता है, जैसे छोटी छोटी जीत मिलती है, पहले मैच जीतने के लिए खेलना, तो बाद में धीरे धीरे गोल सेट होते हैं, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है कि आगे मैचेस जीत की ड्रीम है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है, सबके होते हैं। और बच्चों को चाहिए छोटे छोटे सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से खोल देने चाहिए, जैसे मैंने हॉकी शुरू की थी तो मैंने प्राइवेट अकेडमी में खेला,
किया था वहाँ पे मैं पे कर, और कई स्टूडेंट्स नहीं पे कर पाते, उनके लिए गवर्नमेंट को पहले ही अकेडमी जीरो लेवल से खोल देनी चाहिए कि वहाँ पे बच्चे जाएं तो सीखें, कोचिंग होनी चाहिए विलेजेस में कि कोच सिखाएं हॉकी की, ग्राउंडें होनी चाहिए हर एक गेम की होनी चाहिए, फुटबॉल की जैसे भी, कि बच्चों में क्रेज आए हॉकी का। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि कई लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उसका फीस भी हाई रहता है, तो आपको लगता है ये एक्सपेंसिव है? मैम एक्सपेंसिव है, पहले जैसे वो ही सीखना स्टार्टिंग पॉइंट पे जो पे करना पड़ता है, बाद में तो सिलेक्शन हो जाती है, अच्छी से एकेडमी है गवर्नमेंट से वहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है, वो फिर फ्री कॉस्ट होता है कि वहाँ पे डाइट भी अच्छी होती है, अच्छी कोचेस होते हैं, अच्छी ग्राउंड होती है, सब कुछ होता है, पहले जो सीखने वाला है प्राइस दे के ही गवर्नमेंट अकेडमी में जाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि स्टार्ट पे भी जीरो लेवल पे भी गवर्नमेंट अकेडमी खोलनी चाहिए, वहाँ पे सिखाया जाए, बाद में दूसरी अकेडमी के लिए स्टेप बाय स्टेप ट्रायल हो तो सीखे। तो नीचे एक कमेंट आया बहुत ही अच्छा है कि आपको खुद का ही क्यों गोलकीपिंग का अकेडमी स्टार्ट क्यों नहीं कर लेते, तो बहुत अच्छा सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। करूंगा, पहले मैं अपना गोल है जो मेरा खेलने का ओलंपिक का, वो मैं पूरा करूं, जब मैं पूरा कर सकूं, पूरा अच्छा गोलकीपर बन सकूं, तो फिर मुझे लगता है मैं अपने जूनियर के साथ प्रैक्टिस करता हूं अच्छी, वो भी उनसे मैं सीखता हूं, कोई बात कई बात जूनियर कुछ अच्छा करता है सीखने को मिलता है, बोलना चाहता हूं कि हर टाइम मैं हॉकी के साथ ही जुड़ना चाहता हूं, मैं हॉकी से दूर नहीं जाना चाहता अपनी लाइफ में, तो हो सके तो जी बहुत अच्छी बात है कि आप हॉकी से दूर नहीं जाना चाहते। तो ये जो लास्ट सवाल है मेरा, इसके बाद मैं आपको नहीं परेशान करने वाली, तो आप हमारे व्यूअर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और पंजाबी में होना चाहिए क्योंकि नीचे कमेंट आ रहा है कि सर पंजाबी में कुछ बोलिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको पंजाबी में ही बोलना पड़ेगा। मैं बढ़िया लगे मेरे यार दोस्त मैं देखने आए, मेरे जितने भी व्यूअर्स है, मेरे इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड है जो मैं देखने आए, कि मैं उम्मीद लागे पहुंच चुके हैं, व्यूज जो देख रहे हैं, मैं इन्हों का बहुत दिलों शुक्रिया करता हूं कि मैं वेख ले आए जा मैं लाइव होया जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और जितने भी व्यूअर्स हैं मैं भी आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगी, जैसे सर ने तो आपको थैंक यू बोल ही दिया है, तो मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच।